चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर। ये है ओप्पो एनको एयर 3, एक TWS टाइप ईयरफोन जिसको हम पिछले 4-5 दिनों से यूज़ कर रहे हैं। जो चार्जिंग केस है ना, इसका ओपनिंग क्लोजिंग वाला जो डिज़ाइन है वो अदर ईयरफोन जितना भी हम यूज़ किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और आज के इस वीडियो में जो है ना, इस TWS ईयरफोन का रिव्यू शेयर करेंगे, एज वेल एज कैसे इस ईयरफोन को आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। डुअल कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है, मतलब एक साथ आप दो डिवाइस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे उस फीचर को यूज़ करना है। इसके अलावा इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर या ऐप सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। हे मेलोडी ऐप के थ्रू कनेक्ट करके जो है ना, आप इसमें जो अलग अलग प्रीसेट्स इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिलता है उसमें स्विच कर सकते हैं। एक सराउंड साउंड इफेक्ट वाला ओप्पो अलाइव ऑडियो मोड देखने के लिए मिलता है, उसको इनेबल कर सकते हैं। डुअल कनेक्टिविटी का फीचर इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके टच कंट्रोल्स है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस ईयरफोन को रीसेट करना चाहते हैं, इसके पेयरिंग डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस ओप्पो एनको एयर 3 ईयरफोन के साथ आपको बॉक्स में कोई भी चार्जिंग केबल देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि इसके यूजर मैनुअल पर मेंशन है कि आपको इसके साथ 5 वॉट का चार्जर यूज करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि अब बहुत कम ही घर में आपको 5 वॉट का कोई चार्जर देखने के लिए मिलेगा। तो जो चार्जिंग केबल होता है ना, जो एक्सेसरीज के साथ प्रोवाइड किया जाता है, वो चार्जिंग स्पीड को मेंटेन करता है। जो एक्सेसरीज को रिक्वायर्ड चार्जिंग स्पीड चाहिए होता है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है ना, चार्जिंग केबल इंक्लूड करना चाहिए था ओप्पो को। तो स्मार्टफोन के बॉक्स में से चार्जर गायब करना या फिर ईयरफोन या एक्सेसरीज के बॉक्स में से चार्जिंग केबल गायब करना, हम इस स्टेप को सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें ओप्पो एनको एयर 3 के कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन का, 13.4 mm का ड्राइवर मिलता है, जो कि एक्चुअली में बड़े साइज का ड्राइवर है। और बड़े साइज का ड्राइवर देख के जो है ना, आप ये श्योर नहीं हो सकते कि साउंड क्वालिटी अच्छा है। ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिकॉज इसके साउंड क्वालिटी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने के लिए मिलता है, और कनेक्टिविटी जो हमको इसका काफी अच्छा लगा, रेंज भी काफी अच्छा है, और पिछले 4-5 दिनों में यूज करते हुए जो है हमको कोई भी वॉइस ड्रॉप जैसा इशू जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा इस ईयरफोन के साथ आपको IP54 रेटिंग देखने के लिए मिलता है। IP54 बहुत स्ट्रॉन्ग डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस नहीं देता है, बट हल्का फुल्का पानी का छींटा या स्वेट जो है वो ये रेजिस्ट कर लेगा आई थिंक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बैटरी लाइफ का, तो ओप्पो के अकॉर्डिंग 25 आवर का प्ले टाइम है 19 आवर का चार्जिंग केस में एंड 6 आवर का ईयरफोन में 50% वॉल्यूम पे। बट हम जितना इसको यूज किए हैं, 70-80% वॉल्यूम पे इजीली आपको ईयरफोन में 4-5 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। एंड इस ईयरफोन को जो है ना, आप 3 times इस चार्जिंग केस के थ्रू चार्ज कर पाएंगे, मतलब इजीली आपको जो है ना 18-20 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। चार्जिंग केस में 300 mAh का बैटरी है और एक ईयरफोन में 37 mAh का बैटरी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस ईयरफोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का, तो डिजाइन जो है वो थोड़ा सा यूनिक है। जो चार्जिंग केस का डिजाइन है आप देख सकते हैं कि अदर ईयरफोन के कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा ये जो ट्रांसलूसेंट केस है ना, इसके ऊपर कोई भी हमको मेजर स्क्रैचेस पिछले 3-4 दिनों से यूज करते हुए देखने के लिए नहीं मिला है। एंड 3000 रुपए का ये ईयरफोन है, कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, बट बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है। अगर आप इसको ओपन क्लोज करते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको जो है ना चीप क्वालिटी वाला ईयरफोन फील नहीं होगा। इसके अलावा ईयरफोन्स का जो चार्जिंग केस में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी हमको काफी स्ट्रांग लगा। इसके अलावा जैसे ही इस केस को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको एक LED लाइट मिल जाता है, जो कि चार्जिंग स्टेटस या कनेक्शन स्टेटस जो है वो इंडिकेट करता है। एंड नीचे में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का अगर हम बात करें, तो अगर आप ईयरफोन्स को 10 मिनट के लिए चार्जिंग केस में चार्ज करते हैं, तो अराउंड 2 आवर्स का प्ले टाइम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। एंड ओप्पो के इस ईयरफोन में जो है ना, कोई भी आपको रबड़ वाला टिप देखने के लिए नहीं मिलता है, तो लॉन्ग सेशन ऑफ यूसेज में जो है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके अलावा जो इसका ईयर ग्रिप है वो भी हमको काफी अच्छा लगा। हैवी मूवमेंट में या इवन वर्कआउट करते समय, स्किपिंग करते समय, रनिंग करते समय जो है ना, इजीली ये मेरे कान से नहीं निकलता है, मतलब ईयर ग्रिप जो है इसका काफी अच्छा है। इसके अलावा वाइल्ड स्लीपिंग भी अगर आप ईयरफोन यूज करते हैं ना, जो कि हम रेकमेंड तो नहीं करते हैं, बट अगर आप यूज करते हैं तो ये उस समय भी काफी कंफर्टेबल लगा हमको। तो अभी जो आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये ओप्पो एनको एयर 3 के माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है, और हम आपके साथ अनएडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसका माइक जो है वो कैसा साउंड कैप्चर करता है, मतलब जब आप इसको गेमिंग के समय पे यूज करते हैं या वाइल्ड कॉलिंग अगर आप इसको यूज करते हैं, तो किस तरीके का साउंड ये पिक करता है। इसके अलावा स्लो स्पीड में फैन भी चल रहा है, तो नॉइज कैंसिलेशन का आपको आइडिया भी लग जाएगा। अगर कोई वॉइस ड्रॉप होगा तो उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। और वीडियो अगर आपको यहां तक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट, अगर हम इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो साउंड क्वालिटी में जो है ना, आपको अलग अलग मोड्स मिल जाता है और अलग अलग टाइप का आपको साउंड मिल जाएगा। जो ओरिजिनल आपको इसमें साउंड मोड मिलता है वो काफी बैलेंस टाइप का है, मतलब अच्छा बेस है, अच्छा ट्रेबल है, क्लियर वोकल्स है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी काफी
काफी अच्छा है, मतलब कि म्यूजिक जो है वो आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसके ओरिजिनल मोड में। पर्सनली हमको जो इसका ओरिजिनल साउंड मोड है ना वो काफी अच्छा लगा, बट अगर आपको बेस बूस्टेड साउंड ज्यादा पसंद आता है या फिर आपको जो है ना ट्रेबल इंक्रीज करना है, वोकल्स क्लियर चाहिए, तो फिर जो है ना आपको हे मेलोडी ऐप में अलग अलग मोड्स देखने के लिए मिल जाता है। वहां से आप बेस बूस्टेड मोड में स्विच कर सकते हैं या फिर क्लियर वोकल्स मोड में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा ओप्पो के इस ईयरफोन के साथ आपको सराउंड साउंड के लिए भी एक मोड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप हे मेलोडी ऐप में जाके जो है ना इनेबल कर सकते हैं। मोड का नाम है ओप्पो अलाइव ऑडियो मोड और यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको एक सराउंड साउंड वाला इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ओप्पो एनको एयर 3 के साथ आपको 47 मिलीसेकंड का एक लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने के लिए मिलता है और उसको इनेबल करने के लिए भी जो है ना आपको हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है वो सब कुछ हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। अब फटाफट से जो है ना गेम मोड इनेबल करके एक लेटेंसी टेस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम मोड जो है वो हम इनेबल कर दिए हैं एंड अब हम आपको दिखाते हैं लेटेंसी टेस्ट। सो लेटेंसी टेस्ट आप देखें बहुत ज्यादा लेटेंसी नहीं है, कैजुअल गेमिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एकदम सीरियस गेमिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है ना आपको एकदम जीरो लेटेंसी चाहिए और उस कंडीशन में आपको एक वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन के साथ ही जाना पड़ेगा। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ओप्पो एनको एयर 3 के केस को ओपन करने के विद इन फ्यू सेकंड्स में जो है ना लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से ये कनेक्ट हो जाता है। न्यू ओप्पो एनको एयर 3 ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करने के लिए जस्ट इसके चार्जिंग केस को आपको ओपन करना है और आपको जो है ना यहाँ पे व्हाइट कलर का एलईडी लाइट इस तरीके से ब्लिंक करता दिखेगा, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है एंड आपको इस तरीके का एक कनेक्शन का पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। कनेक्ट पे टैप करके डायरेक्टली आप अपने इस ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का पॉपअप देखने के लिए नहीं मिलता है देन आप अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाइएगा एंड यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी आपको ओप्पो एनको एयर 3 देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको ना देखने के लिए मिले तो आप पेयर न्यू डिवाइस के ऊपर टैप कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो एनको एयर 3 शो कर रहा है, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो कॉन्टेक्ट एंड कॉल हिस्ट्री का परमिशन जो है वो अपने ईयरफोन के साथ अलाउ कर सकते हैं। पेयर के ऊपर टैप करके आप इजिली अपने ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। एक बार जब आपका ईयरफोन आपके एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर हो जाता है उसके बाद आपको जो है ना प्ले स्टोर से हे मेलोडी एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। इस हे मेलोडी ऐप का यूज करके जो है ना आप इसके टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एज वेल एज इसमें जो फीचर्स आपको मिलता है जैसे कि ओप्पो अलाइव ऑडियो मोड, डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है। इसके अलावा जो अलग अलग इक्वलाइजर प्रीसेट्स आपको मिलता है उसके बीच में अगर आपको चेंज करना है तो उसको भी यूज करने के लिए आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार जब हे मेलोडी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हैं जस्ट आपको इसको ओपन करना है, स्टेटमेंट ऑफ यूज को आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना है, सेटिंग के ऊपर टैप करना है, उसके बाद कुछ परमिशन जैसे कि नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है, नोटिफिकेशन अगर आपको इस ऐप से चाहिए तो आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डोंट अलाउ पे टैप कर सकते हैं, फिर आपको ऐड के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको लोकेशन का परमिशन जो है इस तरीके से अलाउ कर देना है, फिर से ऐड के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये स्कैन कर रहा है एंड यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 3 शो करने लगा। कनेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, व्यू ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे आप लेटर पे टैप करके इसको स्किप कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओप्पो एनको एयर 3 का सारा चार्जिंग परसेंटेज दिख रहा है, लेफ्ट का, राइट का, केस का। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है ना कुछ इक्वलाइजर मोड्स देखने के लिए मिलता है, ओरिजिनल साउंड मोड, बेस बूस्ट मोड, क्लियर वोकल्स मोड, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस मोड में कैसा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी पे भी टैप करके जो है ना आप मोड्स के बीच में यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ओप्पो अलाइव ऑडियो मोड देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरीके से सराउंड साउंड वाला इफेक्ट क्रिएट करता है और उसको आप यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गेम मोड का सेटिंग मिल जाता है और यहाँ से आप 47 मिलीसेकंड का एक लो लेटेंसी गेम मोड जो देखने के लिए मिलता है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है और डुअल कनेक्शन पे टैप करके आप यहाँ से डुअल कनेक्शन इनेबल कर सकते हैं। एक बार जब आप डुअल कनेक्शन इनेबल या डिसेबल करते हैं ना तो आपका ईयरफोन आपके कनेक्टेड फोन से डिसकनेक्ट होके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अब जो है ना डुअल कनेक्शन इनेबल हो गया है तो अब हम इसको दो डिवाइस के साथ एक साथ यूज कर सकते हैं, कैसे वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है। परचेज करने के बाद एक बार हमको एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिसीव हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपको ईयरबड्स कंट्रोल वाले पेज पे जो है ना लेफ्ट एंड राइट दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और हर एक ईयरफोन के लिए जो है ना यहाँ पे आपके पास चार टच कंट्रोल है, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड टच एंड होल्ड का। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल टैप ईयरबड जो है वो नेक्स्ट ट्रैक के लिए असाइंड है एंड टच एंड होल्ड अगर आप करते हैं लेफ्ट ईयरबड्स को तो वॉल्यूम डाउन के लिए असाइंड है। इसके अलावा सिंगल टैप एंड ट्रिपल टैप वाला जो फंक्शन है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे सिंगल टैप पे आपको ऑप्शन मिलता है प्ले एंड पॉज का, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन के लिए डबल टैप पे जो है नेक्स्ट ट्रैक असाइंड है तो इसको हम चेंज कर देते हैं प्रीवियस ट्रैक से
एंड यहाँ पे ट्रिपल टैप को अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है और गेम मोड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम वॉइस असिस्टेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। टच एंड होल्ड में ऑलरेडी वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे राइट वाले ईयरफोन पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी सिंगल टैप पे जो है ना प्ले पॉज हम असाइन कर देते हैं। डबल टैप पे यहाँ पे नेक्स्ट ट्रैक ही रहने देते हैं बिकॉज हम लेफ्ट में डबल टैप पे प्रीवियस ट्रैक असाइन किए हैं। फिर ट्रिपल टैप पे यहाँ पे हम गेम मोड असाइन कर देते हैं, मतलब अगर हम ट्रिपल टैप करेंगे राइट वाले ईयरफोन पे तो गेम मोड जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल या डिसेबल हो जाएगा। और लेफ्ट पे यहाँ पे ट्रिपल टैप पे वॉइस असिस्टेंट हम असाइन किए हुए हैं एंड राइट वाले ईयरफोन में टच एंड होल्ड करके हम वॉल्यूम अप कर सकते हैं और लेफ्ट वाले ईयरफोन में टच एंड होल्ड करके हम वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके का टच कंट्रोल जो हम सेट कर लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से डुअल कनेक्शन का फीचर यूज करना है, मतलब एक साथ दो डिवाइस के साथ अगर आपको इस ओप्पो एनको एयर थ्री ईयरफोन को यूज करना तो आप कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है जिससे ऑलरेडी ये कनेक्टेड है और ये मेरा आईफोन 13 है और यहाँ पे अगर हम सेटिंग में ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो ईयरफोन है ये मेरे आईफोन से फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, ना ही अवेलेबल डिवाइसेज में ये शो कर रहा है। अब ओप्पो का ये ईयरफोन ऑलरेडी अगर आपके किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड है, आपको दूसरे डिवाइस के साथ इसको पेयर करना है और पेयरिंग मोड में लेके जाना है तो इसको चार्जिंग केस से आपको बाहर निकाल लेना है। जो टच सेंसिटिव एरिया मिलता है ना इसको आपको प्रेजेंट होल्ड करके रखना है दोनों ही ईयरफोन्स का फॉर 5 सेकंड। आपको एक टिक 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 का साउंड सुनाई देगा और उसके बाद एक शॉर्ट म्यूजिक सुनाई देगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे डिवाइस में भी जो है ना यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 3 अवेलेबल डिवाइसेज में शो करने लगा है, जबकि ये ऑलरेडी मेरे पहले फोन से भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम ओप्पो एनको एयर 3 को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है ना ये मेरे आईफोन के साथ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड है एज वेल एज मेरे एंड्रॉइड फोन के साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब आईफोन में अगर आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन को सेटअप करना है तो उसके लिए आपको ऐप स्टोर से जो है ना हे मेलोडी एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हे मेलोडी एप्लीकेशन हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एग्री कर लेना है और कुछ परमिशन जो है यहाँ पे भी आपको अलाउ कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ओप्पो एनको एयर 3 जो है ना यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा परमिशन जो है वो आपको अलाउ नहीं करना पड़ेगा या अलग से आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके आईफोन से ये ईयरफोन कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको ओप्पो एनको एयर 3 कनेक्टेड शो करेगा। इसके ऊपर टैप करके सेम जो फीचर्स आप एंड्रॉइड फोन में चेंज कर सकते थे टच कंट्रोल वो सब आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वलाइजर मोड्स है, फिर ओप्पो अलाइव ऑडियो वाला मोड है, इसके बाद यहाँ से भी आप गेम मोड इनेबल कर सकते हैं। डुअल कनेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आईफोन एंड नथिंग फोन 1 दोनों ही यहाँ पे शो कर रहा है एंड सेम अगर हम यहाँ पे एंड्रॉइड फोन में भी हे मेलोडी एप्लीकेशन में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम डुअल कनेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है। सो इस तरीके से आप डुअल कनेक्शन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, ईयरबड्स कंट्रोल का ऑप्शन जैसा आपको एंड्रॉइड फोन में मिलता है वैसा ही सेम आपको आईफोन्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बार जो टच कंट्रोल या सेटिंग आप चेंज कर देते हैं ना वो सेटिंग तब तक रहेगा जब तक आप अपने ईयरफोन को रीसेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम सेटिंग्स जो है वो देखने के लिए मिल रहा है जो हमें एंड्रॉइड फोन में सेट किए थे। अगर आप डुअल कनेक्शन फीचर यूज कर रहे हैं, इस ईयरफोन को अपने दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रखे हैं, एक डिवाइस पे कोई भी मीडिया प्ले हो रहा है, दूसरे डिवाइस पे कोई भी अगर कॉल आता है तो उस कंडीशन में जो कॉल का नोटिफिकेशन है वो आपको आपके ईयरफोन पे सुनाई देगा एंड जो मीडिया का साउंड है ना वो म्यूट हो जाएगा बट आपका मीडिया जो है वो पॉज नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको कॉल रिसीव करना है किसी भी ईयरफोन पे डबल टैप करके जो है ना आप इस तरीके से कॉल रिसीव करके आंसर कर सकते हैं अपने ईयरफोन पे और जब तक आप कॉल पे होंगे तब तक मीडिया साउंड जो है वो म्यूट रहेगा बट देख सकते हैं आप जो मीडिया है या जो वीडियो है वो अभी भी प्ले हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे कॉल को कट करते हैं ना उसके बाद अगेन ये जो मीडिया या म्यूजिक जो भी आप प्ले कर रहे हैं उसका साउंड जो है वो रिज्यूम हो जाएगा आपके ईयरफोन पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कॉल कंट्रोल का तो किसी भी ईयरफोन पे जो है ना डबल टैप करके आप कॉल रिसीव कर सकते हैं एंड डबल टैप करके आप कॉल को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडिया कंट्रोल का तो राइट ईयरबड में हम नेक्स्ट ट्रैक असाइन किए थे तो अगर हम इसके ऊपर डबल टैप करते हैं तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ट्रैक पे क्विकली स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा राइट ईयरबड्स पे अगर हम टच एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें लेफ्ट ईयरबड का तो लेफ्ट ईयरबड पे हम प्रीवियस ट्रैक असाइन करके रखे थे तो यहाँ पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे हम सॉन्ग को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। एंड लेफ्ट ईयरबड्स पे अगर हम टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से हम वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक या वीडियो को अगर आपको प्ले पॉज करना है तो सिंगल टैप किसी भी ईयरफोन पे करके आप इसको पॉज कर सकते हैं, सिंगल टैप करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गेम मोड इनेबल करने के लिए एंड वॉइस असिस्टेंट इनेबल करने के लिए जो शॉर्टकट फंक्शन है वो आप ईयरबड कंट्रोल में जाके जो है ना ट्रिपल टैप पे असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट ईयरबड पे ट्रिपल टैप करते हैं तो वॉइस असिस्टेंट जो है वो इनेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट जो है वो पॉपअप कर जाता है। एंड वहीं पे हम यहाँ पे राइट ईयरबर्ड में ट्रिपल टैप पे जो है ना गेम मोड असाइन किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम राइट ईयरबर्ड्स पे ट्रिपल टैप करते हैं तो यहाँ पे गेम मोड इनेबल हो जाता है, एंड फिर से ट्रिपल टैप करते हैं तो गेम मोड डिसेबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये शॉर्टकट फंक्शन आप इसके टच कंट्रोल्स पे असाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे अगर आप इस Oppo Enco Air 3 ईयरफोन को रीसेट करना चाहते हैं, जो भी इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इस ईयरफोन को जो है ना चार्जिंग केस से बाहर निकाल के इसके टच सेंसिटिव एरिया को 15 सेकंड तक प्रेजेंट होल्ड करके रखना है। और आफ्टर 15 सेकंड आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना जिस तरीके से हम न्यू Oppo Enco Air 3 को कनेक्ट किए थे वैसा एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाता है। अब ये प्रॉपरली रीसेट हो चुका है। अगर हम इसको चार्जिंग केस में डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाइट LED जो है इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस Oppo Enco Air 3 को रीसेट कर सकते हैं। आई होप कि ऑलमोस्ट सारा फीचर हम Oppo Enco Air 3 का आपके साथ शेयर किए हों। कोई भी डाउट हो इस ईयरफोन के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।